92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। हमारे समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हम एक ट्रेजेडी का इंतजार करते हैं हम सबको जगाने के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली शहर में 8 सितंबर को एक 7 साल के बच्चे की मौत डेंगू की वजह से हो गई। वजह सिर्फ बीमारी ही नहीं थी, उस बीमारी से जूझते हुए बच्चे को 5 अस्पतालों ने दाखिला देने से मना कर दिया। इलाज में हुई देरी की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई और बच्चे की मौत से लगे सदमे की वजह से उसके माता पिता ने खुदकुशी कर ली। अगर ये हादसा भी डेंगू के खिलाफ हम सबको जगाने के लिए काफी नहीं है तो फिर शायद इस शहर को हम सबको कोई नहीं बचा सकता। दिल्ली मेरी जान में हमने फैसला किया है इस पूरे हफ्ते हम एक मुहिम चलाएंगे डेंगू के खिलाफ, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हर एक दिल्ली वाले को बहुत साफ तौर पर पता हो कि डेंगू क्यों फैलता है, किन वजहों से फैलता है और कैसे उसे रोका जा सकता है। अगर अवेयरनेस की ये कड़ी कहीं पर भी टूटी तो खतरा हम सबके लिए है। इसलिए आज दिल्ली मेरी जान में हम बात करेंगे अलग अलग MCDs के मेयर से, ये जानने के लिए कि नगर निगम क्या कर रहा है डेंगू की रोकथाम के लिए। और साथ ही हम चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में नगर निगम नहीं आया है, MCD के कर्मचारी नहीं आए हैं, फॉगिंग नहीं हुई या एंटी लावा स्प्रे नहीं हुआ है तो हमें कॉल लगाकर अपनी लोकेशन बताएं। आपकी लोकेशन हम MCD तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर है 3992792739 9927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और ये है हमारी कैंपेन, हमारी मुहिम, हमारी लड़ाई डेंगू के खिलाफ। आप दिल्ली के जिस भी इलाके में रहते हैं, अगर आपके इलाके में नगर निगम के कर्मचारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, फॉगिंग नहीं हुई है, एंटी लावा स्प्रे नहीं हुआ है या आपको कोई और कमी दिख रही है, MCD के अस्पतालों में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी सवाल या परेशानी आपके मन में है तो मुझे कॉल जरूर लगाइए। और इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ईस्ट दिल्ली MCD के मेयर हर्ष मल्होत्रा जी। हर्ष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिचा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। दिल्ली ठीक नहीं है हर्षदीप जी, इस वक्त डेंगू की मार बढ़ती ही जा रही है। लोगों को MCD से बहुत शिकायत है कि MCD ने इस साल कुछ नहीं किया। मैं बड़े विनम्रता के साथ पूर्वी दिल्ली वासियों को ये कहना चाहता हूँ, पूर्वी दिल्ली ऐसी नगर निगम है जहाँ पर रिपोर्टेड केसेस हमेशा से कम रहे हैं और इस बार भी कम है। उसका कारण ये है कि हमने अपने यहाँ पे 400 लोगों को इसमें ऐड किया है और उसके अलावा हर जगह एंटी लार्वा स्प्रे हमारे हर वार्ड में होता है। सितंबर के महीने से हमने फॉगिंग मशीन्स को भी बढ़ा दिया है, जबकि उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट का रिस्ट्रिक्शंस भी है, एस्थमेटिक हो जाते हैं लोग, लेकिन जो हमारा एंटी लार्वा का स्प्रे होता है वो बहुत इफेक्टिव है। मैं पूर्वी दिल्ली वासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि अपने घर पे कहीं भी साफ पानी को इकट्ठा मत होने दें, कूलर के पानी में पेट्रोल या डीजल के 1-2 चम्मच जरूर डालें, फ्लावर पार्ट्स का पानी बदलें दूसरे तीसरे दिन, तो मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के डेंगू के खिलाफ ये मुहिम अपनी चालू रख सकेंगे। जी हर्ष जी, ये तो मान लिया और वाकई ये रिपोर्टेड है कि ईस्ट दिल्ली में लोएस्ट केसेस सामने आए हैं, आप दूसरी MCDs को कोई सलाह नहीं देते फिर, जैसे आप काम करते हैं वैसे वो भी काम करें? ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है, जब हमारी कॉमन मीटिंग होती है तो हम जो अच्छे काम करते हैं इन सब चीजों को रोकने के लिए वो उनके साथ शेयर करते हैं। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने पब्लिक को अवेयर करने के लिए और हमें अटेंटिव रखने के लिए अपना ये कैंपेन रखा है। मैं बिग FM का बहुत बड़ा फैन हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं गाड़ी में होता हूँ तो मैं इस चैनल को ऑन करता हूँ, आपके अच्छे गाने सुनता हूँ, आपके सोशल मैसेजेस सुनता हूँ। मैं दिल्ली वासियों से इस बात के लिए भी अपील करना चाहूंगा कि उनको डेंगू से संबंधित या किसी और बात से संबंधित, नगर निगम से संबंधित कोई समस्या आती है तो बिग FM पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ये सब चीजें शेयर कर रहे हैं। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हेल्पलाइन है 155303, वहां पर भी अगर कंप्लेंट करेंगे तो हम और सुझाव देंगे तो हम उसको तुरंत अटेंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष मल्होत्रा जी। और कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे नॉर्थ दिल्ली MCD के मेयर रविंदर गुप्ता जी। और इसके अलावा मैं लगातार आप लोगों से अपील कर रही हूँ कि देखिए एक
समस्या है शहर की, उसका सामना हम सबको मिलकर ही करना है और उससे हम सबको मिलकर ही लड़ना है। आप लोगों के मन में डेंगू से संबंधित कोई सवाल है या कोई परेशानी है, कोई संकट है, तो मुझे कॉल लगाकर बताएं। आपकी परेशानी हम सरकार तक, प्रशासन तक, MCD तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा नंबर है 3992729272। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। शहर तो भाई हमारा भी बहुत प्यारा है, लेकिन इन दिनों डेंगू के मच्छरों का मारा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में हमने शुरू की है एक कैंपेन, एक मुहिम डेंगू के खिलाफ। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली वालों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें कि अपना बचाव डेंगू से कैसे करें, और साथ ही हम जवाब मांग रहे हैं MCD से कि कहां लापरवाही हो गई कि इस साल डेंगू का खतरा इतना बढ़ गया है हमारे शहर में। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं नॉर्थ दिल्ली MCD के मेयर रविंद्र गुप्ता जी। रविंद्र जी, दिल्ली वालों को बहुत शिकायत हो रही है, 5 साल में सबसे ज्यादा आंकड़े आ गए हैं डेंगू के, एक बच्चे की बहुत ट्रैजिक डेथ हो गई है। जाहिर है शिकायत MCD से सबसे ज्यादा होती है कि आप लोगों की तरफ से लापरवाही हुई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मुझे खुद उस बच्चे की मौत का दुख है और उसके बाद जो ट्रेजेडी हुई है उसका बहुत ज्यादा दुख है। मैं केवल दिल्ली वासियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नगर निगम आपके साथ है और नगर निगम पूरा काम कर रही है, लेकिन क्या है कि जब तक हम डेंगू के बारे में पूरा अवेयर नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और इसके लिए अभी प्रॉब्लम क्या है कि जब नगर निगम के कर्मचारी जो है लोगों के घरों में जाते हैं इन चीजों को चेक करने के लिए, तो लोग जो है उनको अंदर नहीं आने देते और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं दिल्ली वासियों से अपील करता हूँ, आप अपने मन से डर निकालिए और उनका साथ दीजिए। जी रविंदर जी, अभी हम आंकड़े चेक कर रहे थे, सबसे ज्यादा केसेस नॉर्थ दिल्ली में ही हैं डेंगू के, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बात यह है कि नॉर्थ दिल्ली में केसेस इसलिए आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि सारे हॉस्पिटल जो है बड़े बड़े वो नॉर्थ दिल्ली के अंतर्गत आते हैं, इसलिए कहीं के भी कोई केसेस ज्यादा हो लेकिन वो हॉस्पिटल इधर होने की वजह से लोगों में वो केस ज्यादा। जबकि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितने केस आपको नजर आ रहे हैं इससे कहीं ज्यादा केस जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुए वो केसेस भी हैं। तो इसलिए इन केसेस पे ध्यान देने की बजाय हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि डेंगू और ज्यादा ना फैले, उसके लिए हमको अलर्ट होना चाहिए और नगर निगम के साथ मिलकर आप इस मुहिम में साथ दें जिससे कि लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। रविंद्र गुप्ता जी, हमने तो बिग FM पर मुहिम छेड़ दी है डेंगू के खिलाफ और हम अपने लिसनर्स से कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में हमें कॉल लगाएं, अपने इलाके की समस्याएं बताएं और वो समस्याएं हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तैयार हैं इतने सारे लोगों की परेशानियां सुनने के लिए? जी, मैं रविंद्र गुप्ता दिल्ली का मेयर होने के नाते आपसे अपील करता हूँ दिल्ली वासियों से कि आप कृपया करके डेंगू के प्रति जागरूक होइए और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप 92.7 बिग FM के साथ जुड़िए, इनको अपनी शिकायत दर्ज कराइए, इनके माध्यम से नगर निगम तक पहुंचेगी। हमारी मेयर हेल्पलाइन है जिसका नंबर 9643096430 है, उसके ऊपर आप अपनी कोई भी जानकारी लेना चाहें डेंगू से संबंधित उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। कोई कर्मचारी की प्रॉब्लम हो उसको आप बता सकते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए दृढ़ संकल्पित हैं इस काम को करने के लिए। रविंद्र जी, मुझे कभी भी एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग कहते तो सब यही है कि दृढ़ संकल्पित है काम करने के लिए, लेकिन अगर इतने संकल्पित होते तो डेंगू की हालत क्या शहर में ऐसी हो जाती जैसी हो चुकी है? उम्मीद करेंगे कि अब कम से कम MCD अपनी कमर कसे और जल्द से जल्द इस बीमारी को काबू में करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल हमसे बात करने के लिए और यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे साउथ दिल्ली MCD के मेयर सुभाष आर्या जी, जानेंगे उनके इलाके में क्या हाल है। अगर आप लोग अपने इलाके की कोई जानकारी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 3992729272 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध 92.7 बिग FM पर। छोटी छोटी बातों का ख्याल हम सबको भी रखना है ताकि हम खुद का और अपने शहर का बचाव डेंगू से कर सकें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के अलग अलग MCDs के मेयर से, ये समझने के लिए कि उनकी तरफ से कहाँ लापरवाही, कहाँ कमी हो गई कि डेंगू इस कदर बढ़ गया है हमारे शहर में। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं साउथ दिल्ली MCD के मेयर सुभाष आर्या जी। गुड मॉर्निंग सुभाष जी। गुड मॉर्निंग सुभाष जी, एक बात बताइए, 5 साल बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि डेंगू को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे मामले? डेंगू मच्छर है, किसी को तो उसको बुखार जब प्लस हो जाए और उस पेशेंट को अगर दोबारा कोई मच्छर काट ले तो उसकी जितनी जनरेशन है वो भी NH1 वाली बन जाती है। पहली बार हुआ है पूरे संसार के अंदर इसका कोई रेमेडी, इसको कोई खत्म करने का, सिवाय के इसके लार्वा जो बनते हैं पानी के अंदर
उनको वहीं समाप्त कर दिया जाए। सुभाष आर्य जी, एमसीडी की ही जिम्मेदारी है ना कि लार्वा को बढ़ने ना दिया जाए। इस तौर पर जो आपका कहना है कि ये जिम्मेदारी हमारी है, उस जिम्मेदारी को ऑन करता हूँ, लेकिन अगर हम घरों में जाते हैं, वाटर कूलर चेक करते हैं, छतों पर जाते हैं तो पानी चेक करते हैं, लेकिन कहीं भी एक बिस्लरी या किसी भी वाटर बॉटल का एक छोटा ढक्कन भी चिरा रह जाए, उसमें 15-20 बूंद पानी के पड़ जाए, उसमें से भी 200 मच्छर पैदा हो जाते हैं। हमने जनता को जागरूक जब तक हमारा सहयोग नहीं पूरा करेंगे, तब तक पड़ोसी घर चेक नहीं करेंगे, तब तक ये मच्छरों का निदान असंभव रहता है। लेकिन हम घर चेक करते हैं, लेकिन ड्राइविंग रूम के अंदर हमारे एम्प्लॉयज को जाने की अनुमति लोग नहीं देते। नहीं, हम दिल्ली वालों को यही सलाह देंगे कि एमसीडी के कर्मचारी अगर आपके घर आते हैं तो आने दें। लेकिन सुभाष आर्य जी, अगर एक बार घर की बात मान ली जाए, बाहर इलाकों में हमें बहुत सारे हमारे लिसनर्स फोन करके कह रहे हैं कि एमसीडी ने इस साल कहीं फॉगिंग नहीं करी है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। दिल्ली वाले मुझे भी बहुत फोन करते हैं कि मेरे अगर फॉगिंग करा दे। फॉगिंग का असर केवल 2 घंटे रहता है, लेकिन इसके साथ जो साइड इफेक्ट्स हैं, इससे दमा बढ़ता है, सांस की बीमारी बढ़ती है। WHO ने हमें लिख कर भेजा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि फॉगिंग को कम से कम कराया जाए, इसकी अधिकता से बीमारी और बढ़ जाती है और बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए हम कम से कम कोशिश करते हैं, जब प्रकोप बहुत बढ़ जाता है, दबाव आता है, तब कोशिश करते हैं फॉगिंग कर दे हम। और अंदर की जो स्प्रे करते हैं मकानों के, ज्यादा पानी होता है वहाँ, एंटी लार्वा ऑयलिंग करते हैं, उससे लोगों को संतुष्टि मिल जाती है। जी सुभाष जी, आखिर में साउथ दिल्ली एमसीडी का कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां अगर कोई डेंगू से परेशानी कहीं भी किसी तरह की हो रही है या वो आपको बुलाना चाहते हैं तो कॉल करें? डेंगू से बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए दिल्ली साउथ नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर 011-2332-4284। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, 011-2332-4284। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष आर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली सारे मेयर्स की एक शिकायत हम लोगों से भी ये जरूर है कि जब एमसीडी के कर्मचारी हमारे घर की जांच करने आते हैं तो हम उन्हें घर के अंदर घुसने नहीं देते। अब ये आदत तो हमें भी अपनी बदलनी होगी। बहरहाल, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं डेंगू से लड़ाई के मुद्दे पर तो मुझे कॉल लगाइए। 3992797 है मेरा नंबर। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और आज इतने कॉल आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है मुझे एकदम चुप हो जाना चाहिए और दिल्ली को बोलने देना चाहिए डेंगू के बारे में। जी मेरा नाम राजकुमार है और मैं जीटी करनाल रोड अलीपुर, और हमारे यहाँ पे मच्छरों से हम बहुत परेशान है। यहाँ पे डेंगू की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है और 2 लेडीज की डेथ भी हो चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है एमसीडी की तरफ से। ना कोई दवाई डालने आया है, कंप्लेंट भी की गई है, और ना ही कोई मतलब जो भी इनका एंटीडोट जो भी होती है वो डालने के धुआं करने के लिए कोई भी नहीं आया अभी तक। मेरा नाम बी आर मेहता है, मैं लक्ष्मी नगर ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले एफएम पर सुन रहा था, हर्ष जी ने बोला कि हमने अभी दिल्ली में फॉगिंग का शुरू कराया, 400 लोग जोड़े हैं अपने साथ, ये है वो है। बट अब लक्ष्मी नगर आके अगर कोई देखता है तो उसको मालूम पड़ता है कि क्या हुआ है। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, इधर कर्मचारी आते नहीं है। हाँ, मेन रोड जो होती है, जो बाजार है, उनके अंदर डेली जो है कूड़ा उठाने वाले आते हैं, उठा के चले जाते हैं बेनिफिट्स के लिए। अदरवाइज अंदर आके देखेंगे गलियों के अंदर तो कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं, कोई कर्मचारी नहीं आता है। बड़े बड़े वायदे जो है वो पेपरों के अंदर किए जाते हैं। जनरली जो अगर पब्लिक के अंदर आके देखेंगे तो सबका यही राय होगी कि यहाँ कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ वेट किया जाता है कि डेंगू जैसी बीमारी फैले तो उस एरिया के अंदर आके ये लोग काम करें। मेरा नाम अजीत कुमार है, रिचे मैम, मैं मांडी गांव का निवासी हूँ जो कि छतरपुर विधानसभा लगती है, जिसमें कि 15-20 दिन हो गए कंप्लेंट किए हुए, कोई ना तो डेंगू का मच्छर देखने वाला है, ना कोई दवाई डालने आया, कोई नहीं आया। बाकी ये जो तरीका है कि पूरे कपड़े पहने वो सब तरीका हमें मालूम है, लेकिन मच्छर इतने पनप गए हैं के बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैं एफएम के बिग एफएम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई सुनने वाला कंप्लेंट है नहीं, सिर्फ बोलते रहते हैं, बाकी करते काम करते कुछ नहीं। काश कि मैं आप सबके कॉल्स ले पाती और यहाँ पूरी दिल्ली को सुना पाती, लेकिन वक्त की मजबूरी है, वरना क्या बताऊँ, जिस तरह से आज हमारा फोन बज रहा है ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। इससे पता चलता है कि दिल्ली जाग तो चुकी है, अब बस लड़ाई शुरू करनी है डेंगू के खिलाफ, और मुझे उम्मीद है कि हम सब जब साथ मिलकर लड़ेंगे तो जीत भी मिलेगी। इसी के साथ आज मुझे यानी ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और डेंगू के खिलाफ हमारी ये मुहिम दिल्ली मेरी जान में कल भी जारी रहेगी, तो ट्यून इन जरूर कीजिएगा कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सिद्धार्थ आ रहे हैं, आपको सुनाएंगे गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे।